الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم صدق الله العظيم अमरी अबिशाह वयसदमानी यफकहू कौली अल अलाफ़ की आयत नंबर अंठावन तक का मताल हमने पिछली में मुकम्मल कर लिया था आयत नंबर उनसठ से अब इस सूरत मुबारक का असल मज़मून शुर। शुरू हो रहा है जिसमें दरअीकत क्रैश को इंज़ार और उनको धमकी दी जा रही है पिछली कौमों के वाक़ात को सुनाकर कि पिछली कौमों में जो मामला हुआ कि उन्होंने भी अपने रसूलों का इनकार किया जानबूझ कर तो अल्लाह ताला ने दुनिया ही में उनको तबाह बर्बाद कर दिया लिहाजा आयत नंबर उनसठ से लेकर तिरानवे तक कौम नू कौम हूत कौम साले कौम लूत कौम शुएब की सरगुजतें जो इस बात का तारीख़ी सबूत है कि जो कौमें फसाद फिर अर्ज़ की मरतकब होती हैं वो अपने रसूल की दावत असलाह की तकजीब कर देती हैं अल्लाह ताला उनको सफ़े अर्श से मिटा देता है सबसे पहले कौम नू का वाक़ पेश हुआ जो कि अल्लाह तबा के सबसे पहले रसूल थे हजरत नूसम इराक और कुर्दस्तान के इलाके में मबूस हुए इन्होंने अपने कौम को तोहहीद की दावत दी और शिर्क की मजम्मत की लेकिन कौम के लोगों की अक्सरियत ने उनकी बात का इनकार कर दिया दूसरे मुकाम से मालूम होता है कि साढ़े नौ सौ बरसरत नूसल ने अपनी कौम को दावत दी इसके बाद फिर अल्लाह ताला ने हज़रत नूसम को कहा कि तुम एक कश्ती की तमीर करो कश्ती बनाओ और तमाम अहले ईमान को उसमें बैठा दो वो लोग जो कि ईमान लाने वाले हैं और फिर ऐसे ही हुआ कि एक ज़ोरदार तूफान आया जिसमें वो तमाम के तमाम मुनकरीन गर्क कर दिए गए और इस कश्ती नू में वो लोग जो कि ईमान लाने वाले थे हज़रत नूसलम पर उनको अल्लाह ताली ने निजात दे दी इसके बाद कौम आद का तस्करा है जिसमें हजरत हुद्लम मबूस हुए ये कौम एकाफ़ के इलाके में आबाद थी जो हिज़ाज़, यमन और यमामा के दरमियान जुनूब मगरब में वाक़ है हजरत हुद्लम ने भी अपनी कौम को दावत दी उनके कौम में भी बुनियादी मर शर्क का ही पैदा हो चुका था हज़रत हज़रतूदाम ने शिक मजम्मत फरमाई और बयान किया कि एक अल्लाह तबा ताली की इबादत करो लेकिन उनकी कौम के बड़े बड़े सरदारों ने हज़रत हज़रतूदी सलाम से बहस की और मानने से इनकार कर दिया बिल उनकी कौम पर भी अल्लाह ताली का आजाब आया आठ दिन और सात रातें मसलसल तेज़ व तंद हवा चलती रही उन पर तूफ़ान आया और इससे जो मुनकरन थे वो सब के सब हलाक कर दिए गए जरत हूद और उनके साथी बचा लिए तस्करा है जिसमें भेजे गए यह कौम के मुकाम पर आबाद थी जो मक्का से शुमाल मगरब किनारे पर वाक़ है साल ने भी अपनी कौम को शिरक से बाज रहने की दावत दी अपनी रसालत का इकरार किया और इस बात को बयान किया कि देखो तुम मेरी अगर कबूल नहीं करोगे तो तुम पर अल्लाह ताली का अजब आ जाएगा निशानी के तौर पर हजरत सल्लाम ने एक ऊटनी को मुकर कर दिया कि ये ऊटनी अब अल्लाह ताली की निशानी है अगर तुमने इसको गज़न जिस वक्त भी पहुँचाया तो अल्लाह तला का आजाब तुम पर आ जाएगा लेकिन कौम के सरकश लोगों ने उस ऊटनी को नुकसान पहुँचाया उसकी कूँचे काट डाली और अल्लाह तब तुम पर अजब आ गया और को जो मानने वाले लोग थे वो बचा लिए गए और ज़मीन का इकतदार और अख्तियार अल्लाह ताला ने उनको सौंप दिया अपने कानून के मुताबिक फिर हजरत लूत सलाम का तस्करा है ये जिस कौम पर भेजे गए ये कौम सदूम और आमीरा की बस्ती कहलाती है जो कि शाम के जनूब में इराक़ और फ़लस्तीन के दरमियान वाक़ है आजकल ये आजकल ये इलाका शर के कहलाता है हजरत लूत आलम ने अपनी कौम को शिरक से बात रहने की भी दावत दी लेकिन साथ साथ उनके कौम में एक बहुत बड़ी बुराई पैदा हो चुकी थी कि वह हम जिन परस्ते ही मुब्तला थे रू तैयले ने उनको तमबी की कि तुम फितरत के रास्ते को छोड़ कर तुम ये फितरी रास्ता इख्तियार कर रहे हो बजाय औरतों से अपनी इस लजत को पूरी करो और तुम मर्दों के पास आते हुए लजत को पूरी करने के लिए तुम तो इंतहाई हद से गुजर जाने वाली कौम हो लेकिन उनकी कौम के बड़े बड़े सरदारों ने और कौम की अक्सरियत ने उनकी बात का इनकार कर दिया और कहा कि तुम बहुत पागबाज बनना चाहते हो तुम निकल जाओ यहाँ से इस तरीके से हज़रत लूत सलाम वो लोग के जो के ईमान लेकर आए उनको लेकर उस बस्ती से निकल गए और उन पर पत्थरों की मुसलसल बारिश हुई जिससे ये पूरी की पूरी कौम हलाक कर दी गई इसके बाद फिर हज़रत शुब्लम का तस्करा है जो कि मदीन के इलाक़े में भेजे गए खुद हजरत सलाम मदीन के इलाके से ताल्लुक़ रखते थे ये मदियन का इलाका हिजाज के शुमाल मगरब और फ़लस्तीन के जनूब में बहरा अहमर और खलीज उबा के किनारे पर वाक़ है शुब आम के कौम में नाप तोल की कमी रहज़नी डाका जनी दूसरों का माल हड़प करना ये बीमारी आम हो चुकी थी तो लिहाजा हजरत शुब्म ने उनको जहाँ पर तोहद की दावत दी और शिट से बाज रहने की तंबी की साथ साथ इस बात की भी दावत दी कि ये तुम तुम्हारा क्या मामला है कि तुम रास्तों पर बैठ जाते हो और लोगों को डराते हो और धमकाते हो और उनके साथ और उनके माल तुम लूटते हो लूट मार चुके उनका पेशा था लेकिन इनकी भी अजीब अक्सरियत ने जब इनकार कर दिया तो इस कौम पर भी अज़ाब आया ज़ोरदार जल्जला आया जिस पर जिसके नतीजे में ये पूरी की पूरी, की पूरी कौम हलाक कर दी गई और हज़रत शोब अल्लाम और उन पर ईमान लाने वाले साथी ही बज गए इस तरह से आय नंबर चौरानवे से लेकर एक सौ दो तक अम्बिया के सरगजश बयान हुई है उस पर इजमाली तबसरा किया गया और कौमों के साथ अल्लाह जो मामला करता है उसके बाद बुनियादी असूल और बाद हिकमतें और इबरतें क्रैश को ये तम्बी कि उन्हें इन्हीं खल्फ में तुम हो तो अगर तुम दिदा इबरत से देखो तो तुम्हारे अपने मुल्क की तारीख में तुम्हारे लिए काफ़ी सामान्य बसरत मौजूद है लेकिन जिस तरह इन कौमों के दिलों पर अल्लाह की मोहर लग गई थी उसी तरह तुम्हारे दिलों पर भी अल्लाह की मोहर लग चुकी है नबी करीम ने अपनी कौम को मुखातिब करके इस बात को बयान किया फिर आयत नंबर 103 से लेकर 136 तक हज़रत मूसा और फिरौन की सरगश इंतहाई तफसील से बयान की और जिससे यह वाजह होता है कि फिरौन ने हज़रत मूसा को शिक्ष देने के लिए तमाम हथकंडे जो उसके इम्कान में थे इस्तेमाल किए लेकिन अल्लाह ताला ने उनको बामुराद किया और फिरौन को तमाम इसबाब वसाइल के बावजूद शिकस्त दी मुसिदीन का बेड़ा गर्क हुआ और जो जमात मजलूम और मकहूर थी अल्लाह ने उसको उसकी इस्तकामत के बदौलत ज़मीन में कदार बख्श दिया लिहाजा इस ज़मीन में जो चीज़ा चीज़ा वाक़ पेश किए गए हैं वो ये थे कि सबसे पहले हज़रत मसा फ़िरौन के दरबार में हाज़िर हुए और अपनी रसारत का इकरार किया और बनी इसराइल की आज़ादी का मुतालबा किया कि फौरस मैं या बनी इसराइल मेरे साथ बनी इसराइल को भेज दें फिरौन ने मौजे का मुतालबा किया कि अगर तुम अल्लाह के रसूल हो तो हमें कोई मौजा दिखाओ आपने अपना असा मारा और वह अजहा साफ बन गया उसी तरह आपने अपना हाथ अपने बगल से बाहर निकाला वो चमकता हुआ रोशन बन गया यह अल्लाह तौजा जर तो मूसा सलाम को दिया था यद बैजा और असाए मूसाफ़ मसा सलाम ने इसका मुजाहरा किया लेकिन फ़िरौन ने इनकार कर दिया और कहा कि ये तो सर जादू है ये तो तुम जादू का मुजाहरा कर रहे हो लिहाजा तुम्हारा मुकाबला होगा जादू से फ़िरन ने फिर तमाम के तमाम मुल्क में जो बड़े बड़े जादूगर थे उन सबको जमा किया वो जादूगर आए और उन्होंने कहा कि अगर हम ये जीत गए इस मुकाबले में तो हमारा क्या इनाम होगा फ़िरन ने कहा कि तुम हमारे मकरबीन में से हो जाओगे लगा जादूगर का मुकाबला हजरत मूसा आई इस्लाम से हुआ सबसे पहले जादूगरों ने अपना मुजाहरा पेश किया और अपनी छोटी छोटी रस्सियाँ जो वो लेकर आए थे कुरान इस हकीम इस बात को बयान करता है कि उनके तखील में कुछ ऐसा कर दिया कि वह रस्सियाँ लोगों को सांप की तरह नज़र आईं मूसा आलाम को इस बात पर थोड़ी तशवीश हुई इसलिए कि उनको भी जो मुआवजा दिया गया था वो भी यही था कि वह असाक़ जो है वो सांप बन जाता था लेकिन अल्लाह ताली ने वही के जरिए से उनको अलका किया कि तुम खौफ ना करो और अपना आशा फेंको मूसा साहब ने जब अपना आसा फेंका तो वो बड़ा अजहा बन गया और सारे के सारे जो छोटे छोटे सांप थे जो उन्होंने रस्सी के जरिए से बनाए थे उन सबको वो निकलने लगा अजहा वो जादूगर ये समझ गए कि ये जादू नहीं है ये मुआजा है इसलिए कि जादूगर जादू की हकीकत को अच्छी तरह समझते हैं कि जादू की लिमिटेशन क्या है लिहाजा वो फ़ौर ही मान ले आए वो फ़ौर सजदे में गिर गए इसलिए कि वो पहचान गए कि ये जादू नहीं हो सकता अब जब जादूगर ईमान लेकर के आ गए तो लगोगा कि मूसा आसलम की फतह हो गई ये मालूम हो गया कि मूसा आसलम वाकई अल्लाह के नबी हैं इनको जो मुआजा दिया गया है यह कोई जादू नहीं फिरौन को इंतहाई सुबकी महसूस हुई उसने ये कहा कि हाँ अब मुझे मालूम हुआ कि तुम दोनों की कोई चाल है जो कि तुमने शहर में कहीं चली है और ये हमारे सामने ये नूरा कुश्ती कर रहे हो तुम जादूगर ने इकरार किया कि नहीं मेरे सामने तो अब यह हक़ आ गया है लिहाजा हम तो अब इससे दूर नहीं होंगे यानी जादूगर जो ईमान लेकर आए उनका ईमान बड़ा काबिल तकलीद था फिरौन ने उनको धमकी दी कि अगर तुम बाद नहीं आए तो मैं तुम्हारे हाथ और पैर काट दूंगा मुखालफ सुन से तुमको सूली पर चढ़ा दूंगा जादूगर ने कहा जो चाहो तुम कर लो हम तो अब ईमान लेकर आ गए हैं और हमें तो बिलाखिर अल्लाह तला ही के हजूर जाना है उसी के हजूर हाजिर होना है तो इस तरीके से अल्लाह ताली ने मूसा सलाम की बात को बुलंद किया और तमाम लोगों के अंदर यूँ इतमाम हजद भी हो गया कि मूसा आलाम वाकई अल्लाह ताला के नबी हैं फिर सरदारों के कहने पर फिर ने फिर उनको बेटों को कत्ल करने और उनकी औरतों को ज़िंदा छोड़ने का फ़ैसला किया कि ठीक है अब हम दोबारा ये मामला करते हैं कि इनके बेटों को कत्ल करेंगे और इनकी बच्चियों को ज़िंदा छोड़ेंगे मूसा सलाम ने अपनी कौम को सब्र की तलकिन की फिर फ़रौन ने फिर फ़रौन की कौम के तरफ मुख्तलिफ़ के अजाब अल्लाह भेजे। तहत का अजाब उन पर आया फलों के नुकसान का उन पर अजब आया तूफ़ान का अजाब आया टिड्डियाँ आ गईं जुओं का अजाब आ गया कि हर चीज़ में जुएँ थीं मेढक उनके हर खाने से हर जगह से फुतक पड़ते थे मेढक का अजाब दिया अल्लाह ताली ने और ख़ून का अजाब उन पर नाजिल हुआ कि हर जगह खून ही खून जो चीज़ वो खाने के लिए आते थे वो खाना खून बन जाता था और फिर अल्लाह ताला ने बयान किया कि फिर हमने उनको फ़ाइनल अज़ाब दिया कि वो उस दरिया में पूरी की पूरी कौम गर्क कर दी गई और बनी इसराइल को ज़मीन का वारिस बना दिया गया उनको इकदार और अल्लाह ताला ने दे दिया और यही अल्लाह ताला का कानून का है कि जो कि नबी पर ईमान लेकर आते हैं रसूल पर ईमान लेकर आते हैं अल्लाह ताला उनको ज़मीन में गलबा अता करते हैं जो उनके मुनकरीन हैं उसको हलाक कर देते हैं इसके बाद फिर आयत नंबर एक से एक में बनी इसराइल की तारीख़ के तमाम अदवार पर एक जाम तबसरा किया गया जिससे वाज होता है कि अल्लाह ताला ने उन पर हमेशा बड़े बड़े कर्म फरमाए लेकिन उन्होंने शुरू से लेकर अब तक हमेशा अल्लाह के इनामा की, की नाकदरी की और किसी तजगीर और तमबीश से भी कोई पायदार फ़ायदा नहीं उठाया और अब भी उनकी रविश वही है चरानचा जिस हक़ की अलमदारी की जिम्मेदारी उन पर डाली गई थी वो उसकी मुखालफत में पेश पेश रहे हालांकि ये मौका उनके लिए आखिरी मौका है जिसको ज़ाया कर देने के बाद अब उनके लिए दायवी जिल्लत के सिवा और कोई चीज़ बाकी नहीं इसी जमीन में उनका वाकया है बयान किया है जो कि सब की कानून की उन्होंने खिलाफ वर्जी की कि बनी इसराइल की एक कौम दरिया के किनारे आबाद थी अल्लाह ताला ने उनको बयान किया कि एक दिन तुम मखसूस कर लो और हफ्ते के दिन मस, मखसूस किया गया कि इस दिन तुम अल्लाह की इबादत करोगे और तुम मछलियां नहीं पकड़ोगे मछलियां पकड़ना उनका पेशा था लेकिन उसके अंदर भी उन्होंने हीले का मामला किया और वो दिन अल्लाह की इबादत के लिए मखसूस नहीं किया और फिर आयत नंबर एक सौ इकहत्तर से आखिरी तक यानी आयत नंबर दो सौ छत् आयत नंबर दो सौ छ तक खात्मा सूरत है जिसमें कुरैश को अहद फितरत की याद दहानी की गई यानी वो अहद अलस्त का तस्करा किया गया कि जो अल्लाह ताला ने बयान किया कुरानी हकीम में कि हमने आदम आम की पूरी की पूरी ज़रूरत को सामने लाखड़ा किया और हमने कहा कि अलस्तों में रब कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ और तमाम तमाम अरवा इंसानी जो उस वक्त थी उसने कहा कलू बला उन्होंने कहा बला क्यों नहीं आप हमारे रब हैं ये याद दहानी कराई गई कि ये अहद अलस्त मैंने तुमको तुम्हारी फितरत में डाल कर भेजा है यानी तुमको जो इस दुनिया में मैंने भेजा है तो दरकत अपनी मार्फत को दाखिल करके भेजा है अपनी पहचान का मनसर तुम्हारे अंदर डाल दिया है लिहाजा अपनी फ़ितरत पर भी अगर तुम गौर करोगे तो इस अहद अलस्त की याद दहानी भी तुम्हें हो जाएगी और तुम इस हक़ को पहचान लोगे और फिर बनी इसराइल के हालात से इबरत हासिल करने की दावत दी गई फिर उनको अजाब अलहि की धमकी भी दी गई और ख़बरदार किया गया कि जब अल्लाह की पकड़ में आ जाओगे तो तुम्हारे ये अलिया असनाम जो तुमने घर रखे हैं कुछ काम नहीं आएंगे और आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र एराज और हर वक्त हर घड़ी अल्लाह ताला की याद के साथ वाबस्ता रहने की हिदायत की गई इस पर यह सूरत ख़त्म हुई अल्लाह ताला अपने कलाम का फहम बता फ़रमाए और अमल की तोफ़ी अतः फ़रमाए हाजा अकुलसलमसलिमात